तो सबसे पहले अपना नाम और एड्रेस बतायो जी। जी मेरा नाम फिरोज गांधी है। ओके जी, डिस्ट्रिक्ट सिरसा। हाँ जी, गांव है काले वाली मंडी। ओके जी, हरियाणा से? जी सर। ओके, तो सेल परचेज का काम कब से स्टार्ट किया हुआ जी? कम से कम हो गए सर 10-12 साल। 10-12 साल हो गए जी। ओके, तो सभी मंडी में जाते हो जी? सभी में सर। घर पर कुछ गाय होती है जी? जी जी। अकेला गाय का काम करते हो या भैंसे का करते हो जी? दोनों का सर, गाय और भैंसे का। भैंसों का भी करते हैं, गाय का भी, बट क्या है गाय का ज्यादा करते हैं। ओके जी, ओके। तो आज कितनी गाय? आज 5-6 गाय जा रही है सर। तो डबरी में ये ट्रांसपोर्ट हो रही है जी? जी जी। ओके, कहाँ जा रही है जी? गुजरात में जा रही है, ग्लोर जा रही है सर। ओके, तो आपकी गाय जा खरीदारी करवाई है जी बाजार से? नहीं, बाजार से खरीदारी की है सर। ओके, तो सभी की सभी गाय बाजार से खरीदारी हुई? सभी की सभी सर। ओके, तो ट्रांसपोर्ट कुछ टाइम बाकी है, हो जानी है जी? बस गाड़ी आ गई सर, लोड करनी है खाली। ओके, तो स्टार्टिंग प्राइस इनका क्या चल रहा है जी? सर इसका 75 से 1 लाख रुपए तक चली। तो 75 से 1 लाख? जी सर। तो 75,000 से लेकर 1 लाख वाली है जी? जी जी सर। ओके, तो कितनी गाय ब्याई हुई है, कितनी गाभिन है जी? सर 3-4 ब्याई हुई है, 3-4 गाभिन है। ओके, तो बात करें जी दूध की, तो दूध कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाएगा? 30 लीटर से लेकर 40 लीटर तक दूध देने वाली गाय है सर। 32 से लेकर? जी जी सर। तो 32 से लेकर 42 तक? जी सर। ओके, 32 से 42? हाँ जी सर। ओके जी, तो पहले नंबर वाली गाय चला कर दिखाओ जी सर। ये वाली इधर से दोस्तों दिखाते हैं जी, पहले नंबर वाली गाय। ओके, मुंह से 4 दांत है सर, ठीक है। तो अभी इसका 10 रोज तो बोल रहे हैं कि कम से कम 5-6 दिन तो ले जाएगी अभी। ओके जी, अंडर क्वालिटी आप देख सकते हैं, फेस क्वालिटी देख सकते हो, तो थोड़ा सा ठंडी सील बहुत है सर। कम से कम 35-36 दूध निकालने वाली है। ओके जी, ओके जी सर। मुंह से 4 दांत है सर। ओके, इलेक्ट्रिशियन है ये? तो सेकंड है जी? सेकंड है। कितने दिन बाकी? अभी इसका 5-6 दिन लगेगी सर। ओके, 5-6 दिन लगेगा। जी जी सर। ओके, तो लगभग दूध कितना निकाल सकते हैं? कम से कम 30 लीटर दूध निकालने वाली है। 25 से 30 लीटर? 25 से 30 वाली। जी जी सर। तो देख सकते हो दोस्तों काफी शानदार गाय है, हाइट लेंथ बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अंडर क्वालिटी देख सकते हैं, आंचल फाचल एकदम मस्त है सर। बिल्कुल, 4 दांत है। तो देख सकते हैं जी दांतों से 4 दांत। जी जी, काफी शानदार हाइट और लेंथ और अंडर का साइज देख सकते हैं जी। बहुत अच्छी है सर, मशीन वाला थन जो लगे ना इसका। बिल्कुल जी, बैसों वाले थन है, पूरे गैप में मुठिया वाला थन है। जी जी, तो कितना दूध लगभग सर जी निकालेगी? जी कम से कम 35 लीटर दूध निकालेगी सर। 35 निकालेगी? जी जी सर। तो अगर 40 बोल रहा है वो उस चीज का फायदा नहीं है। सही है जी, जो मैक्सिमम निकालेगी उतने बताया आप। सही बात है जी। तो लगभग रेट क्या हुआ जी इसका? इसका सर 2.80 की। 2.80 की, ठीक है। 78 की? जी जी। तो दोस्तों 78,000 की हुई है, जो अदर स्टेट जा रही है, कहाँ जा रही है जी? जी कलोल में जा रही है। कलोल कहाँ से है जी? जी गुजरात में। गुजरात में दोस्तों सभी की सभी गाय है, तो सभी की सभी गुजरात लोडिंग हो जानी शाम को। तो आगे वाली दूसरा नंबर है, इसकी डिटेल दे दो जी। इसके सर जी मुंह से पूरी जाता है। ओके जी, तो ये भी कम से कम 25 से 30 लीटर दूध निकालने वाली है, ज्यादा निकाल देगी। सही बात है, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये फीका नहीं थोड़ा सा। अभी इसके जो गाय बनाएगी अभी से कम से कम 10-12 दिन ले जाएगी तो उसने। हाँ, बहुत अच्छा अड्डर बनाना है। ओके जी जी, आप देख सकते हो आंचल फाचल एकदम मस्त है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठंडी सील है ये देखो, अड्डर क्वालिटी आप देख सकते हो ऐसी एकदम मस्त है सर। ओके, तो दोस्तों देख सकते हो काफी शानदार कलर क्वालिटी आप देख रहे हो, वजन वाली गाय, छोटा कान और बॉडी वेट काफी शानदार है, देख सकते हो थनों की क्वालिटी। और पांचवा थन है जो वो फेस क्वालिटी देखो सर, चल नहीं रहा, तो फेस क्वालिटी आपके सामने जी काफी शानदार अच्छी क्वालिटी में पड़ती है। बिल्कुल, तो ले चलो जी, चलो। तो कितने दिन बाकी है जी इसके ब्याने में? ले जाएगी सर 10 दिन। तो 10 दिन? कौन से ब्याह बोला था ब्याने में? ये पूरे है, मान लो सॉरी तीसरे ब्याह रहे, तीसरे ब्याह में दांतों से पूरी है। दांतों से पूरी है जी जी। तो कितने दिन बाकी है? 5 से 10 दिन बस, इतने दिन ही। तो कितना दूध निकाल सकती है जी? ये भी कम से कम 30-32 दूध निकालने वाली है, 30 से 32 लीटर निकालने वाली है। जी जी सर। ओके ओके, तो बात करें रेट के बारे में, बाजार में डिमांड इसकी क्या थी? डिमांड तो सर बहुत अच्छी, लेकिन 85,000 की खरीदी, तो 85,000 की हुई है। जी जी, तो आगे तीसरा नंबर चलाइए जी। ये भी सर ये भी अच्छी क्वालिटी वाली है, थोड़ा सा क्रॉस पर में तो है, थोड़ा सा इसका फेस भी और कान भी देख सकते हो। सही बात है, इसका दूध भी बहन जैसा निकालेगी, क्योंकि गर्मी थोड़ी सी सह जाती है। सह जाती है क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करने वाली गाय है जो खरीदी है ना। हाँ जी, गुजरात में सभी का टेम्परेचर मेंटेन करने वाली गाय खरीदी है सर। ओके जी, ओके जी। तो दोस्तों देख सकते हो इसके भी जो भी 7-8 दिन अभी जानने में लेगी। ओके जी सर, तो कौन से ब्याह? जी सर तीसरे, तीसरे में। जी जी, 7-8 दिन पेंडिंग है। पेंडिंग है, पेंडिंग है। तो दोस्तों देख सकते हो काफी शानदार, बहुत बड़ी गाय है सर, देखो आप बॉडी से वगैरह देख सकते हो, ऑर्डर का साइज वाली का हो, तो वजन वजूद काफी शानदार है। तो डाग में बुला दूंगा,
बात करेंगे इनके दूध की, कितना दूध निकालेगी? ये भी कम से कम सर 35 लीटर दूध निकालने वाली है। तो ये भी 35 वाली है जी? जी जी जी, गारंटी करते हो जी? जी जी। ओके, तो बात करें रेट की, रेट बाजार में डिमांड क्या था? ये भी इसका सर भाव तो 1 लाख से ऊपर कर रहे थे। 1 से ऊपर बोल रहे थे जी। तो लगभग कितने की हुई? ये 87 की हुई। तो 87 87,000 की हुई जी। ओके ओके, तो सभी की सभी गुजरात में जा रही है जी? जी सभी की सभी, अपने पास ग्राहक भी खड़े हैं सर जिन्होंने खरीदी। कोई बात नहीं, करेंगे बात उनसे, लास्ट में बातचीत करते हैं इनके साथ भी। तो ये ब्याई हुई है जी? गाबन है। ये भी गाबन है जी? नहीं, लास्ट वाली है। ये भी गाबन है सर? ये भी गाबन है जी। जी ओके, तो जो सामने खड़ी है ये ब्याई हुई है, 2-3 गाय, तो बाकी गाबन है। ओके जी सर, तो देख सकते हो दोस्तों काफी शानदार गाय है जी सर, गांधी सर के साथ ब्रदर डेयरी फार्म के पास जी सर। तो ये कौन से बात आई? ये सर तीसरे है। तीसरे में है जी? जी जी। ओके, तो कितने दिन बाकी जी बनने में? इसके सर 5-6 दिन लगे, ज्यादा 5-6 दिन ले जाएगी? जी 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 सर। ओके, ले जी ले। अंडर क्वालिटी इसका भी एकदम आंचल फांचल बहुत मस्त है सर, आप देख रहे हो। ओके, बॉडी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, लंबी बहुत है सर। सही बात है, दूध निकालने वाली ब्रीड है सभी। ओके जी जी जी, छोटी नहीं, छोटी बॉडी इसकी छोटी नहीं है, बहुत लंबी गाय है। तो एक से एक बढ़कर गाय है दोस्तों, देख सकते हो ब्रदर डेयरी फार्म भाई साहब के पास। तो 5-10 दिन इसके बाकी है जी? जी जी सर। तो कितना दूध निकालेगी ये? ये भी कम से कम 35-40 दूध देगी। कम से कम 3-4 गाय तो 35 वाली है? जी जी बिल्कुल सर। ओके, तो बात करें रेट की, इसकी डिमांड बाजार में क्या थी? तो इसकी बाजार में डिमांड क्या थी इसकी सर? इसकी भी ज्यादा थी 75 के लिए। तो 75 के लिए है, 75,000 की? थोड़ा फीका पड़ा इसलिए भाव से मिलेगी। ओके, जैसे दूध निकाल लीजिए तो 85 की मारी थी। ओके ओके ओके, तो आगे ये जो सामने वाली गाय, ये ब्याई हुई है जी? जी ब्याई। कौन से ब्याता जी? ये सर दूसरे है। दूसरे में है जी? ओके, तो साथ में बछड़ा है दोस्तों, देख सकते हो मेल काफ जी। तो कितने दिन की ब्याई हुई है जी? ये सर 3-4 दिन हो गए ब्याई। 3-4 दिन की ब्याई है जी? अभी घी से निकाल दिया सर इसका। ओके ओके जी जी जी, तो देख सकते हो जी काफी शानदार गाय है ये भी, कद काठ हाइट अंडर क्वालिटी आप देख सकते हो सर, फेस क्वालिटी देख सकते हो। ओके जी जी, तो कितना ये दूध नीचे इसके? ये कम से कम 20-25 लीटर निकालने वाली है। तो 20-25 निकालने वाली है। ओके, तो बाजार में इसकी डिमांड क्या थी? डिमांड तो सर इसकी भी ज्यादा थी, ये भी 70 के लिए हुई। 70-70,000 की हुई है। ओके, तो दोस्तों देख सकते हो थनों की क्वालिटी दिखाता हूँ, काफी शानदार चारों पे चारों थन एक जैसे है। अभी दूध निकाला जाए? दूध निकाला जी? हाँ जी, घी से निकाला है। तो खीस निकाल दी गई? जी जी। ओके, तो देख सकते हैं जी अभी इसकी खीस निकाली हुई है। तो कौन से बात बैग है जी ये गाय? जी सर सेकंड है। सेकंड में है जी? जी सर। ओके, तो देख सकते हो जी काफी शानदार गाय है ब्रदर डेयरी फार्म भाई साहब की, हाइट काफी शानदार है भाई साहब के कंधे के ऊपर है, देख सकते हो जी। जी जी, तो ताजी दही हुई है। लगभग दूध कितना है जी? कम से कम 20-22 लीटर दूध निकालने वाली है। 20-22 निकालने वाली है? जी जी सर। तो अभी खाली कर दी है क्या? हाँ, से निकाल दिया सर, अभी लोड कर रही है ना। ओके, गाड़ी आ चुकी है। ओके ओके, तो सभी ट्रांसपोर्ट हो जानी है गुजरात में? जी जी। ओके, तो भाई साहब से बातचीत कराओगे? भाई साहब अभी गए सर, वो 5 मिनट बाद कराते हैं। ओके, आ रहे हैं। तो रेट इसका बाजार में क्या था? इसका भाव तो सर थोड़ा सा ऊपर बोले थे लेकिन 70 रहे, तो 70 की हुई है जी? जी जी। ओके, तो आगे वाली गाय ये सामने वाली है, ये गाबन है? जी गाबन है। ये कौन से दांत बनाने वाली है जी? ये सेकंड है सर। सेकंड जी सर। तो दूसरे दांत में आ जाएगी? जी जी। तो दोस्तों देख सकते हो अभी अड्डर के ऊपर भ्रूण है, गाबन है, बनाने वाली है, थोड़ा सा डर रही है इसलिए चलाकर नहीं दिखाएंगे। जी जी। तो गाय जी अभी बढ़िया है क्योंकि कलर का क्वालिटी काफी शानदार है, कान क्वालिटी देख सकते हो, चमक बहुत बढ़िया है। तो दूसरे बात बताएगी? जी सेकंड है सर। सेकंड हाल। तो कितना दूध निकाल सकती है जी? जो भी कम से कम 25 लीटर दूध निकालने वाली है। 25 निकालने वाली है? जी जी। ओके ओके, तो बाजार में इसका मूल भाव क्या था? भाव भाव सा सर, लेकिन बिल्ली तो अपने खरीदी जो हिसाब से है। ओके, 75 की खरीदी सर। ये 75 की खरीदी है जी? 75 की जी। ये थोड़ी सी महंगी नहीं होगी? महंगी नहीं है सर, दूध भी निकालेगी। अच्छा, दूध निकालेगी, दूध के कस्टमर की डिमांड पे ये खरीदी गई है सर। ओके ओके, क्योंकि चमक तो बहुत बढ़िया है इसकी। तो मीडियम साइज है थोड़ा जाता जी, जी। तो कद काठ थोड़ा सा मीडियम है? मीडियम है, बट ये कि मेरे गांव से खरीदी गई है ये। ओके, तो उनसे खरीदी हम लोगों ने दूध, हमने देखा है इसका। ओके जी। ओके, तो आगे वाली गाय चलाकर दिखाओ जी। जी, ये ज्ञापन है जी? जी सर। तो देख सकते हो जी आगे भाई साहब की ब्रदर डेयरी फार्म वाले की ये लास्ट गाय है, ज्ञापन है, ये भी गुजरात में चली जानी है। जी सर, कुछ टाइम बाकी है, थोड़ा सा काली कर रहे हैं ये भी सर। इसका अभी 5-6 दिन बाकी है। ओके, दांतों से पूरी हो चुकी है। ओके, तीसरे इलेक्ट्रिशियन है जी, तीसरे ब्यात में। जी जी, तो हफ्ता मान सकते हैं? हफ्ता मान सकते हैं, ये भी कम से कम 35-40 लीटर दूध निकालने वाली है। ओके, तो दोस्तों देख सकते हो काफी शानदार ऑर्डर का साइज,
तो थनों की क्वालिटी काफी शानदार है, ठंडी झील ऐसी नहीं है, बिल्कुल ठंडी जी देखो। तो देख सकते हो गांधी सार है, इसको दिखा रहे हैं, काफी शानदार गाय है ये जी सर। तो कितना लगभग दूध बोला जी? कम से कम 35 लीटर दूध देने वाली, कम से कम 35 जी, ज्यादा हो सकता है जी, ज्यादा भी निकालेगी। ओके, तो अगर कस्टमर कुछ डालेगा ना फिर तो दूध भी क्या निकालेगी। सही बात है, सही बात है, हरा चारा अच्छा डालेगा के हिसाब से होता है जी। जी सर। ओके, तो एक हफ्ता बाकी है जी सर। ओके, तो दूध 35 से ऊपर कर सकती है जी, निकालेगी। ओके, तो बाजार में रेट क्या था जी इसका? सर 90 मांग रहे थे, 90,000 डिमांड कर रहे थे जी सर। ओके, तो कितने की हुई है? बिल्कुल सही बता देना जी, 80 की हुई है। 80 की हुई है जी। ओके, तो दोस्तों देख सकते हो काफी शानदार है भाई साहब की गाय, सभी की सभी। जिन मेरे भाइयों ने गाय की खरीदारी करनी है तो स्क्रीन के ऊपर भाई साहब का, गांधी सार का, ब्रदर डेयरी फार्म का कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर चल रहा है जी, आप बातचीत कर सकते हो। तो दोनों भाई पार्टनर है जी, इकट्ठा काम करते हैं, इनके पास काफी गाय होती है, भैंसे भी होती है जी। तो आपने गाय खरीदारी करनी है चाहे गाय भैंसे की करनी है तो बातचीत कर सकते हो जी, एक से एक बढ़कर गाय है देख सकते हो जी। तो सभी की सभी क्वालिटी बैच काफी शानदार गाय है जी, उम्मीद करता हूँ आपको सभी की सभी गाय पसंद आएगी। तो उम्मीद ये भी करते हैं आप वीडियो को पसंद जरूर करोगे जी। तो जहां से भी आपने गाय या भैंसे खरीदने, खुद अपनी तसल्ली करके, अपने आंखों हाथों से तसल्ली करके खरीदारी करनी, चाहे भैंसे खरीदनी चाहे गाय खरीदनी, हमारा काम आपको पंजाब हरियाणा राजस्थान की मंडियों की गाय और भैंसे की वीडियो दिखाने का है, रेटों के बारे जानकारी देने का है। तो लास्ट में भाई साहब से बातचीत करते हैं इनके एड्रेस के बारे, तो आप लास्ट में अपने एड्रेस और मोबाइल नंबर बताइए जी। जी मेरा नाम फिरोज गांधी है, मोबाइल नंबर मैं 9878707378, थोड़ा सा हिंदी में बोल दो, 9987807073 सर। ओके जी सर। तो अपना जी? हाँ जी, मेरा नाम सुरीन खान है, मेरा फोन नंबर है 9817717463। ओके, आप भी हिंदी में बोल दो जी थोड़ा सा। हाँ जी, 9817174043। ओके, तो आप इकट्ठा काम करते हो जी? जी जी, तो क्या बातचीत करना चाहते हो जो पहली बार वीडियो देख रहे हो कस्टमरों से? जी यही है कि गाय अच्छी खरीदो, क्वालिटी वाली खरीदो। तो और जो कस्टमर हमसे खरीदना चाहते हैं एक बार जरूर हमको मौका दे। सही बात है। अच्छी जी सर, तो आपके पास आएंगे तब व्यवहार के बारे में पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, जब कस्टमर आएगा तो खुश होकर जाएगा हमसे। सही बात है, उम्मीद करते हैं सभी। सही बात है जी सर। तो दोस्तों देख सकते हो सभी की सभी गाय अच्छी क्वालिटी की है, उम्मीद करता हूँ जी आप बातचीत भाई साहब से जरूर करोगे। तो दोस्तों देख सकते हो जी ब्रदर डेयरी फार्म की गाय काफी शानदार है, एक से एक बढ़कर है। जिन मेरे भाइयों ने गाय की खरीदारी करनी तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर चल रहा है जी, जो इन भाइयों के पास कस्टमर पहुंचे हुए हैं बातचीत करते हैं जी उनके एड्रेस के बारे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तो अपना नाम क्या है जी? जयेश भाई। तो कहाँ से आए हो जी? हलोल कालोल से। ओके ओके, तो गुजरात में पड़ता है? गुजरात में पड़ता। तो आप कितनी गाय आज खरीदारी की है? आज गाय 5 खरीदी। 5 गाय होगी। ओके, तो गांधी साहब ने दिलवाई है जी? गांधी साहब ने, मास्टर जी ने, है ना? मास्टर जी गांधी साहब ने। ओके, तो जितनी गाय खरीदर की है सभी है बढ़िया जी? बढ़िया 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 बढ़िया। क्वालिटी कैसी लग रही है जी? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी, तो जितना दाम लगाया आपको ज्यादा नहीं लगाया? उतने दूध भी देती है सर। दूध भी देती है जी। ओके, तो क्वालिटी वाइज गाय है बहुत अच्छी, तो रेट जितना ज्यादा हो सकता है दूध भी ज्यादा हो सकता है? दूध भी ज्यादा होता है। ओके जी ओके, तो इनके व्यवहार के बारे क्या मैसेज देना चाहते हो जी? अच्छा व्यवहार इनका है, अच्छी गाय दिलाता अपने को। तो उधर अपने स्टेट में और भी भाई साहब वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो अपनी भाषा में दे दो इनके बारे? हाँ, अपनी भाषा में एक बार तक अच्छे हो वीडियो देते है, अच्छी गाय दिलाता है, अच्छे एक बार तक दाम से दिलाता है। ओके, तो आपने गाय जहाँ लेकर चले हो अपने गाँव में सेल परचेज का काम करना या घर पर रखनी है जी? सेल परचेज करते हो जी? ओके, देख सकते हो जी दोस्तों भाई साहब जो गुजरात वाले हैं पहुंचे हुए हैं, 10-15 मिनट में गाड़ी लोडिंग हो जानी है। तो ब्रदर डेयरी फार्म वाले भाई साहब का कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर है जी, बातचीत कर सकते हो जी। आपने 10 गाय लेनी चाहे 15 लेनी चाहे भैंसे लेनी है तो आपको दिलवाई जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जी, जल्द मिलते हैं जी नेक्स्ट न्यू वीडियो में किसी न्यू मंडी में किसी न्यू फार्म में। रविंद्र सिद्धू से सत श्री अकाल जी।